भाई कुछ सेटअप अपना ऐसा है, आई डोंट नो। सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, मतलब कि आप सब ठीक हो। हिमांशु रहा है सो, वरना मैं एक दो फोटो लेता, बट ये तो भाई नींद ले रहा पूरी बॉडी खींच के। ठंडा बाहर जैकेट निकालनी पड़ेगी, जब भी पहाड़ों में ट्रैवल करो तो पानी बहुत ज़्यादा पीना, वरना आपको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होगी होगी। चलो फिलहाल निकलते हैं सिंकला पास से एंड करते जाके कैंपिंग। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं आज कैंपिंग करने के लिए, लास्ट टाइम नहीं हो पाई थी, बट अब की बार हम करेंगे। भाई छोटी छोटी सी वाटर क्रॉसिंग है, ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, वरना जब हम पे गाड़ी नॉर्मल वाली थी तब बहुत तगड़ी वाटर क्रॉसिंग होती थी, तब तो ऐसा लगता था कि गाड़ी भेज आई। अब वो वाली चीज़ नहीं रही, जब हमारे पास गाड़ी तगड़ी आई जब वाटर क्रॉसिंग हल्की कर दी। ये रास्ता मैं पहली बार ले रहा हूँ, जांसकार वाला, पदुम वाला, ये मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ उसमें, और इसके आगे का रास्ता मैंने कभी देखा नहीं, तो मुझे नहीं पता रास्ता कैसा है, ऐसा ही है या बना हुआ है या ऑफ रोड है, या जो लोग बोल रहे हैं कि कीचड़ वाला रास्ता, वो तो आगे जाके पता लगेगा, अभी तक तो देखो सही है। तो भाई अब आए मज़ेदार रास्ते, तो अपने को चाहिए थे ऐसे रास्ते जिसमें पानी बहता हो, कच्चा रास्ता हो, पत्थर हो, जिसमें बताना कहाँ खड्डा है, कितना ऊंडा है, वो नहीं पता। यार डिफेंडर ले रही है पूरे मुझे भाई, तगड़े वाले भर के चल रहा है पानी रोड पे। तो अभी हम सिंकुला से आ चुके हैं 15 किलोमीटर नीचे, एंड अभी हमने एक कैंप फॉलो से पूछा, जहाँ पे बीआरओ वाले बैठे हैं, मगर जी वो गोरबरंजन का, एक ने बोला 50 किलोमीटर, एक ने बोला सर यही पहाड़ है। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा यही है या वो 50 किलोमीटर आगे बताता, वो सही बताता, कौन सा सही बताता ये नहीं पता। बाकी चलो वो वैली के अंदर से व्यू दिखता है, तो शायद वैली के अंदर जाएंगे पहले जब इस पहाड़ का व्यू आता है, वो तो भाई मुझे भी नहीं पता क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरा भी यहाँ पे। तो भाई हमारा कट चुका है, एक्चुअली रास्ता जा रहा नीचे से ये जा रहा, और हम ले ऊपर से, मैं यार पत्थर पड़े हैं, अगर गाड़ी ना निकलेगी अब बैक करनी पड़ेगी। यार वीडियोस में ना उतने कटे दिखते नहीं है, जितने होते हैं ना वो अंदाज़ा नहीं लग पाता, वरना तो गाड़ी के हिलने से बता सकते हो कि कितने खड्डे हैं। तो भाई सीरियसली मैं यही पहाड़ है गोरबरंजन जो बता रहे थे, एंड यहाँ पर क्या होता है कि पूरी वैली से इसका व्यू आता है, इधर भी वैली है इधर भी वैली, तो ये सेंटर में एक पहाड़ है जिनको जिसको गोरबरंजन बोला जाता है, इसको पूजा भी करते हैं ये लोग, एंड अपना जो आज का कैंपिंग है वो यहीं पर है। एंड एक फ़ायदा हमें यहाँ पर हो गया है कि वो नुकसान ही हुआ है यार, यहाँ पर जियो के नेटवर्क आ रहे थे थोड़ी देर पहले जब हम वहाँ पर पीछे थे, अब नहीं आ रहे नेटवर्क यार, देखते हैं ट्राई करते हैं, अगर आ जाते तो अच्छी बात है, वरना हम कैंपिंग तो करेंगे। तो हम जगह ढूंढ रहे थे, तो फाइनली हमें जगह मिल चुकी है, ये समतल एरिया है जहाँ पर टेंट आराम से बिछ भी जाएगा और यहाँ पे कट भी जाएगा, गाड़ी का फेस कर दिया हमने इस तरफ, एंड अब आवाज़ नहीं आएगी आपको। ये है गोरबरंजन पहाड़ जिसके काफ़ी सारे चर्चे मैंने सुने थे, फाइनली आज मैंने देख लिया है, बाकी साइड में रिवर भी जा रही है, इनके चाहिए। भाई ठंड बहुत है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा ठंड है, टेम्परेचर होगा कुछ यहाँ पे 3-2
के आसपास। तो इधर से मेरे पीछे से ठंडी हवा आ रही है, बहुत चिल्ड हवा। थोड़ा सा नीचे भी जाके भी कर सकते हैं अगर तेरे को करना है तो, रिवर साइड पे। मीना ठंड लगेगी रात को ज्यादा। हाँ ठंड तो लगेगी, नींद आ रही है। मानसू थोड़ा देर सो लिया, अभी अपना सेटअप बैठाते हैं। तो गाड़ी का फेस ऐसे रहने देंगे। तो भाई जैकेट निकालते हैं, जैकेट पहनते हैं एंड अपना कैंप रेडी करते हैं, जमाते हैं अपना सनसेट से होने से पहले, वरना सनसेट होगा फिर अंधेरे में दिक्कत हो जाएगी। कैंप करेंगे उतना आसान है नहीं, और हवा बहुत तेज चल रही है तो कैंप का जो सेटअप है वो ही नहीं पा रहा है। अब तुम देखो ना, नीचे से हवा जा रही है, अब इसका समझ में नहीं आ रहा। फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं, नीचे से हवा बढ़ रही है। यहाँ रखते ना बिल्कुल, कौन रखी तुमने पूरी कोने में रख बिल्कुल यहाँ। अब बाकी गाड़ी की तरफ करते हैं तो कुछ ज़्यादा है, वैसे करते हैं तो उठ जाता है। तो भाई फाइनली अपना टेंट सेटअप हो चुका है और सही तरीके से हुआ है, मतलब अपने हिसाब से। तो बाकी हमने बहुत मज़े, क्योंकि हवा बहुत तेज़ है तो यहाँ पे, और टेंट बहुत बड़ा है तो उस हिसाब से पहली बार सेटअप कर रहे थे तो भाई ऐसा ही होगा। बाकी सनसेट ऑलमोस्ट हो गया है, हमारे जो कार्बोरेटर निकाला है हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे एंड गाड़ी का जो एग्जॉस्ट है उसके तरीके से हमें अभी भी रखना है क्योंकि अंदर धुआं आ रहा है एग्जॉस्ट का, ठीक है। और अभी बॉनफायर करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, खाना बनाते हैं। बट सबसे पहले मैंने कि अपने पास होनी चाहिए है लाइट, और लाइट का तुम्हारे भाई ने क्या जुगाड़ ढूंढा था, आज मैं दिखाता हूँ आपको क्या प्यारा जुगाड़ ढूंढ के लाया था तुम्हारा भाई लाइट के लिए। तो भाई अपना अंदर से कुछ कैंप ऐसा है एंड यहाँ पे तुम्हारे भाई ने अभी होल्डर लगा दिया है एंड अभी कार स्टार्ट होगी तो क्या होगा, जो आप बता रहे थे ना पॉल्यूशन वाला, वो चीज़ परे तरफ हो जाएगी, हवा भी पासिंग छोड़ दी गाड़ी के अंदर। बाकी कर स्टार्ट। कोई दिक्कत ना, आ जा। और इस गाड़ी में इतने पावर के स्विच है बहुत ज़्यादा। तो भाई ले के ऊपर वाले का नाम, बिजली स्टार्ट कर देते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। ओ लाइट आ गई रे। कुर्सी लेके अभी बाहर बैठेंगे भाई, यहाँ अपना बल्ब लग गया है एंड अब ये मान लो अगर गाड़ी खिड़की बंद करनी है तो अपने पास बहुत सारा स्पेस बच जाएगा खाना पकाने के लिए भी एंड थोड़ी बहुत। तो देखो हम भी गंदे, और थोड़े बहुत तो हम भी गंदे हुए हैं, कपड़े भी गंदे हुए हैं, बट कोई नहीं यार, कैंपिंग के टाइम पे ये सारी चीज़ें चलती है। कैसा एक्सपीरियंस, मतलब देखो मज़ा तो आ रहा है बट फर्स्ट टाइम के हिसाब से आधी चीज़ें पता भी नहीं है। और हम चम्मच भूल आए, सब्जियाँ जितनी थी वो सारी भूल आए और बहुत सारी चीज़ें भूल आए हम। चम्मच है, चम्मच का क्या सीन करेंगे वो हम बनाएंगे, चम्मच क्या करें, हमारे पास चक्कू आ गया, कैंची है तो हम बना लेंगे काट के। भाई कुछ सेटअप अपना ऐसा है, आई डोंट नो मुझे आवाज़ आ रही हो नहीं आ रही होगी, बट ये सेटअप है अपना आज का एंड कुर्सी चेयर सब कुछ काटी, और गाड़ी को जो लग रहा है ना लो हाइट पे जो गाड़ी लग रही है अमेजिंग भाई। बाकी अभी भी अंधेरा नहीं हुआ, पानी हमारे पास है, खाना हमारे पास है, बस थोड़ी बहुत चीज़ें जो हम फर्स्ट टाइम कैंपिंग कर रहे थे पता नहीं थी। तो भाई यहाँ पे अपने सेटअप बैठा लिया, एक्चुअली हमने थोड़े थोड़े पत्थर लगा दिए क्योंकि उठ रहा था ये, तो इस वजह से सेफ्टी के लिए हमने पत्थर लगा दिए। बाकी यहाँ हमने खोल लिया दुकान, यहाँ पे इसमें बहुत स्पेस होता है डिफेंडर में जो कि इस टाइम में यूज़ होता है ये। अपन दूध निकाल लें, चाय बनाएंगे, कहाँ रखा दूध, उसमें दूध या छाछ, उसमें शायद दूध अलग है भाई, कप निकाल, एक टिश्यू पेपर निकाल लें। ये है मेरे वन ऑफ द फेवरेट, मुझे बहुत पसंद होता है चाय के लिए नमकीन, मतलब इस टाइप की नमकीन भर दो। ठीक है चांदनी तो लेकर आए ना, छाड़ के खाए तो पिएंगे। ओ यार शिट। और है ना इससे इससे छान लेना इस कपड़े से ही सारे चीजें करेंगे ब्रो, कपड़ा सी तो अंदर ही जाएगा। जब कैंपिंग कर रहे तो ऐसे ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी। इसमें लिख रहा है सिलेंडर अपना, ये है लास्ट टाइम जो जाखड़ वाला था वो तो भाई चल नहीं पाया था पीछे से, ठीक है तो अपन इसको फिक्स करते हैं इसको, और हो गया फिक्स, दैट्स इट एंड
बनी बनी ऑक्सीजन की वजह से भी कम चलता है यहाँ पे। चल गई। तो हवा नहीं लग रही है गाड़ी के अंदर, ऊपर से अभी गैस चल गई तो थोड़ा सा भभका हो गया है। टेम्परेचर बाहर बहुत कम है भाई। हम चाय बनाने के बाद मैगी बनाएंगे, मैगी बनाने के बाद अपना बाहर बॉनफायर करेंगे और बैठेंगे आराम से। कम फाड़ियो, बट मेन चीज़ है हमारे पास चाँदनी नहीं है जो कि छानने के लिए, हमारे पास चम्मच नहीं है जो कि खाने के लिए, उसका जुगाड़ और देखेंगे क्या कर सकते हैं। तो हमने ये जुगाड़ बनाया अपना चाय छानने का, छन तो रही है चाय बिल्कुल, बट थोड़ा वो यार चीज़ें भूल जाते हैं तो फिर बाद में याद आती हैं। तो भाई नमकीन खोल ली हमने, चाय हमारी बन चुकी है, बस थोड़ा सा मीठा ज़्यादा होगा थोड़ा सा, बाकी सब परफेक्ट है। एंड अभी उसके बाद इसको वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद जो अगली कैंपिंग करेंगे हम यहाँ से जाएंगे पदुम, और पदुम से अपना टमाटर प्याज और ये सारी चीज़ें खरीदेंगे और एक दो बर्तन और खरीदेंगे, एंड आटा लगा के बढ़िया तरह से रोटी बनाएंगे। नुकर करके तवा, हाँ तवा लेंगे ना, तो वो करेंगे वापिस आते हैं। नॉन भट्टी ना लगा वो प्याज के, नुकर नॉन खाऊंगा मिस्सी ना खुवा दो तो मैं। सब्जी सब्जी बनाएंगे अपने, प्याज टमाटर मिर्च छाक के बनाएंगे। रायता रखा है, रायता तो अपने पास। आपको रात में तारे दिख रहे होंगे, एंड आपको स्टेशन स्पेस स्टेशन देखो, ये स्पेस स्टेशन जा रहा देखो, एक से ये रहा, और ये बहुत स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, बहुत स्पीड से, मतलब जब हम बाहर निकले थे आते हमने यहाँ देखा था इधर, कि जितने भी आपके थोड़े बहुत दिख रहे ना ये सारे स्टार हैं। ये देखो ना, अभी जैसे कि आकाशगंगा ना उठेगी इधर से, तो अपन GoPro टाइमलेस लगा के सोएंगे आज। यहाँ पे भाई हमने चावल और क्या निकाला है, दूसरी छोले और चावल बना रहे हैं, राजमा चावल बना रहे हैं। एंड अभी हमने थोड़ी देर के लिए गाड़ी बंद कर दी, तो हमारे पास एक्स्ट्रा में बैटरी लेके आया था, इसलिए कम लेके आया था क्योंकि थोड़ी देर गाड़ी बंद रहने देते हैं क्योंकि तेल भी अपने को बचाना है। एंड इस बार हम ट्यून कैरी नहीं कर रहे, तो गाड़ी के अंदर जो रेंज है वो 380 किलोमीटर की रेंज बची हुई है, 150 किलोमीटर के आसपास भी रेंज बचती है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से 65 किलोमीटर तो है पदुम जहाँ पे पेट्रोल पंप है, और यहाँ से वापस भी अगर हम जाते हैं तो हमारे को पड़ जाएगा किलोंग 100 किलोमीटर के आसपास टोटल, तो 100 किलोमीटर ये रेंज भी हमारे पास बचती है, तो हमारे लिए बहुत होगा। भाई अपना राजमा चावल तैयार हो चुका है, चम्मच भी हमारे पास आ गई है क्योंकि इसके साथ थी, और ये कटोरी भी इसमें थी। डिफेंडर की ना सीट लुटा ली है, और इसमें अभी गद्दा फुला रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी खाना अपना हो चुका है, हमने साइड में रख दिया है, और जितना भी हमने कचरा था वो सारा वो अभी टेंट के अंदर ही है। सुबह हम क्या करेंगे, जब खाना वाना बना के रेडी होकर जब पैक करेंगे ना वापस, तो उसको एक पॉलीथीन में या फिर बैग में पैक कर लेंगे और उसको गाड़ी में रख लेंगे, और जब कहीं डस्टबिन मिलेगा वहाँ फेंक देंगे। यहाँ पे कुछ भी कचरा नहीं छोड़ेंगे, टेंशन मत लो इस बात का। फिलहाल हमने बेड बना लिया अपना, जो गद्दा था वो बिछा लिया है, उसके ऊपर कंबल डाल लेंगे ताकि नीचे से भी कंफर्ट रहे और ठंड ना लगे। बाकी अभी नहीं, सीट हमने अभी पूरी तरह से लटाई नहीं है, वो उसका भी देखेंगे क्योंकि सीट हमने अभी थोड़ा सा इंक्लाइन रखी है जो कि हमें ज़्यादा तकिया की नीड ना पड़े, तो इस वजह से अभी पहले कंबल बिछा लेते हैं। एंड अभी मुझे पता लगा यहाँ पर भी इसमें जगह है इस गाड़ी में कि जिसमें बैटरी वैटरी सब कुछ रख सकते हो आप। बैटरी तो मैंने रखी, पानी की बोतल या फिर कुछ ऐसी भी, कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको वहाँ से निकालने निकल सकती है ईजिली। मतलब गाड़ी में स्पेस बहुत है भाई, बहुत स्पेस यूज़ किया गया इस गाड़ी में भाई, अपनी गाड़ी का फुल यूज़ हुआ है आज। एंड भाई सच बताऊँ ना, पूरे पैर फैल रहे हैं, पूरे वहाँ तक देख लो, और यहाँ सिराना भी तकिया लग रखा है, ऊपर से हम स्टार गेजिंग कर सकते थे, बट मेन चीज़ है बादल आ गए भाई। मैंने कैमरा लगाया हुआ वैसे ऊपर, बट देख लेते अगर कैसा रहेगा, अगर कर लेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। बाकी गाड़ी मैंने स्टार्ट छोड़ रखी है, और मैंने हल्का सा वो खोल दिया क्योंकि थोड़ा सा हवा निकलती रही, क्योंकि एकदम से दबाव पड़ता है तो थोड़ा हवा होके और इसमें से पार हो जाएगी। पतले पतले हो गए ना, तीन आराम से आदमी सो सकते हैं आज आराम से। बाकी भाई जो नीचे गद्दा है ना वो भी बहुत आरामदायक है, हवा का है, तो उसकी थोड़ी सी हवा हमने कम की है जिससे थोड़ा कम्फर्ट बढ़ा रहा है, और नीचे कंबल भी रख रखा है। अब जैकेट निकाल देंगे, इसको ओढ़ेंगे खाली, इतना ही बहुत है। टेम्परेचर होगा यहाँ पे माइनस में एक के आसपास होगा, जो कीमती सामान तो वो अंदर रख लिया। गाड़ी लॉक करते हैं, अभी करेंगे एडिटिंग, देन उसके बाद सोएंगे, ठीक है। टाइम क्या हो चुका है अभी फिलहाल, घड़ी मेरे से टाइम पता कितना हो गया, 10:07। चलो भाई सही है, अपने वक्त तक खा पी के निपट गए कल का। और पता है क्या होता है, इस बार हमें पता लग गया कि जो रेडी टू ईट वाला खाना होता है उससे अच्छा है कि हम खुद अपना ला के और वो बनाए, बारबेक्यू करें, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें जो भूल गए हम। एंड इसके अलावा एक अपने को अलग से इन्वर्टर लग के आना पड़ेगा, जिससे कार इन्वर्टर जैसे ये है ना एक अलग से, इसलिए क्या होता है कि गाड़ी स्टार्ट रखनी पड़ती है, वरना गाड़ी की बैटरी डेड हो सकती है। जब तक कार इन्वर्टर चलता है तब तो मैं गाड़ी को स्टार्ट रखता हूँ, उसके बाद बंद कर देता हूँ। तो चलो अभी फिलहाल करते हैं ब्लॉग एडिट, एंड रात को देखते हैं क्या सीन रहता है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा बादल आ रखे हैं ना, तो भाई स्टार गेजिंग क्या ही होगी अब तो।
कोई मतलब नहीं बनता। वैसे मैंने कैमरा लगा रखा है बट उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो भाई फिलहाल टाइम हो चुका है 11:30, तो अभी आधी एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है, आज दिमाग सुबह कर लूँ, जब भी वैसे भी नेटवर्क है नहीं, तो इस वजह से मैं अपना लौटते आराम से। बट भाई बहुत कंफर्टेबल है, सही बताऊँ ना बहुत मज़ा आ रहा है। और गाड़ी में अंदर लौटने का फायदा भी है कि ठंड भी कम लगती है, दूसरी चीज़ जो टेंट है वो हवा की वजह से बड़बड़ बड़बड़ करता, तो फिर रात को नींद तो कहाँ ही आती, गाड़ी में पता भी नहीं चल रहा। हल्के हल्के हमने शीशे खोल लिए हैं एंड अब आराम से सोते हैं और कर देते हैं इस ब्लॉग को यहीं अंदर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बाकी कमेंट सेक्शन में अपना प्यार जोड़ देना। बट पहली बार एक्सपीरियंस दिया है कैंपिंग का, बहुत मज़ा आया सही में। बट ये थोड़ा बहुत कमी जो लगी वो कभी फिर पूरी कर लेंगे नेक्स्ट बार।